Hi guys, so this is the second question of the fourth chapter. Let's see the question. Two forces P and P root 2 act on a particle. दो forces हैं, एक P और एक P root 2 जो किसी particle के ऊपर act कर रहे हैं. In direction inclined at angle 135 degree. Okay, so दोनों ही forces एक दूसरे से inclined हैं 135 degree पर. टू ईच अदर. ठीक, सो हो गया. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी सी द गिवन. सो एफ वन इज पी एंड एफ टू इज पी रूट टू. ओके, लेट्स सी. एंड द रिजल्टेंट आर वी शुड फाइंड, एंड थीटा हमें वो भी फाइंड ही करना है. Now, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊं तो आप देखिए कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है. इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बनाता हूं मैं ताकि आपको इजी. ओके, ये आपका एक फोर्स हो गया, थोड़ा टेढ़ा बना है बट मैं इसे ठीक करता हूं. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट फोर्स. सो इसे हम P root 2 मान लेते हैं. दिस इज फर्स्ट फोर्स, इसे हम P मान लेते हैं. ओके, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट R. ओके, नाउ द ओवरऑल एंगल बिटवीन द टू फोर्स P एंड P root 2 इज 135 डिग्री. एंड हमें ये वाला एंगल निकालना है. मान लीजिए एंगल हमारा अल्फा है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा. नाउ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इफ एफ वन इज पी, सो पी का स्क्वायर, एंड एफ टू इज पी रूट टू, सो पी रूट टू का स्क्वायर, प्लस टू पी इंटू पी रूट टू एंड कॉस 135 डिग्री. नाउ यहां पर आप ध्यान से देखिए तो कॉस 135 डिग्री किसके इक्वल होगा. सो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 45 डिग्री. सो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो इट्स बिकम साइन 45 डिग्री विथ नेगेटिव. ओके, बिकॉज 90 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा नेगेटिव आता है. सो इट्स माइनस 1 by root 2. It's minus 1 by root 2. So sin 135 is minus 1 by root 2. So R is equals to under root of P square plus 2P square. So root 2 ka square karenge to 2 aayega, aur P ka square karenge to P square aayega. Basically, jab aap yahan par dhyan se dekhen, to agar aap value put karoge, to 2P into P is basically 2P square into root 2 इंटू माइनस वन बाय रूट टू. माइनस वन बाय रूट टू कहां से आया, कॉस 135 की वैल्यू, और रूट टू को मैंने अलग कर दिया. रूट टू ने रूट टू को कैंसिल किया. सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर. ये माइनस साइन यहां लग गया, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर. सो रिजल्टेंट इज बेसिकली इक्वल टू द पी. तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, पी के बराबर आ गया. अब आपको फाइंड करना था थीटा. सो बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ थीटा इज, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला हमारे पास, मैं इसे रफ कर देता हूं. ठीक है, अपना मैं थोड़ा खुला खुल, आप चाहे तो इसे उतारते जाइएगा वीडियो रोक करके. ओके, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस एंगल की बात करें टेन अल्फा, तो टेन अल्फा होता है एफ टू साइन थीटा अपॉन एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा. होता है कि नहीं होता है, यही होता है. सो यहाँ पर मैंने बेसिकली गलत ले लिया था. ये होगा हमारा एफ एफ वन इज पी रूट टू एंड एफ टू इज. ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना, हमने वहां पर गलत अस्यूम किया था. सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एफ टू साइन थीटा अपॉन एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा. सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ टू की वैल्यू है आपके पास पी, तो आप लिखेंगे P साइन 135 डिग्री अपॉन में F1 की वैल्यू है आपके पास P रूट टू प्लस F2 की वैल्यू है P एंड कॉस 135 डिग्री. यहां पर मैंने
अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर आपने पहले एज्यूम किया था तो वहां पे वो मिस्टेक हो गया था, एफ वन जो है वो पी रूट टू है बिकॉज दिस इज एफ वन फोर्स एंड दिस इज एफ टू फोर्स. ओके सो एफ टू बराबर होगा ना. सो टेन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन 135 पी रूट टू प्लस पी 135. अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 135 की वैल्यू 1 बाय रूट टू होती है तो ये हो जाएगा पी बाय रूट टू हेयर टेन अल्फा. साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट टू. अगर आप यहां देखें तो ये पी रूट टू और यह कॉस 135 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाय रूट टू, ये हो जाएगा माइनस पी बाय रूट टू. अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी बाय रूट टू अपॉन टू पी माइनस पी अपॉन रूट टू. बेसिकली मैंने नीचे डेनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के सॉल्व किया. तो जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ आंसर आएगा. सो पी बाय रूट टू अपॉन टू पी माइनस पी इज पी बाय रूट टू. सो बेसिकली कैंसिल हो गया, पी ने पी को कैंसिल किया, आंसर आया 1. सो बेसिकली टेन अल्फा इज इक्वल टू 1. सो अल्फा इज 10, इधर आ जाएगा आपके पास 10 अल्फा, ही हो जाएगा 10 45 डिग्री. सो अल्फा इज बेसिकली 45 डिग्री. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री. ओके सो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ.